तो प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कहता है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने देखा था हल करके हमारा पहला काम क्या होता है। बच्चों, हम कहते हैं माना डेल्टा इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8, 14 और 20। मतलब जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसे हम डेल्टा इक्वल टू मानते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम ये चेक करते हैं कि कोई पैटर्न हमें नज़र आ रहा है क्या। तो इसको देखने पर समझ में आता है कि हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ना तो रो में ना तो कॉलम में। एक बार चेक कर लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा, इन दोनों का 3 आएगा, इन दोनों का 4 आएगा। थोड़ा सा लगा बच्चे, इन दोनों का कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। फिर इनका पैटर्न, इनका कितना आएगा प्यारे बच्चों, इनका आ जाएगा 9, और फिर इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 13। तो कोई पैटर्न ऐसा है नहीं जो हमें इसकी सारी रो को जीरो बना दे। तो जब हमें ऐसा कोई पैटर्न ना मिले बच्चों कि कोई एक लाइन या तो रो या तो कॉलम जीरो हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मैक्सिमम जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। फिर भी एक बार चलो मैं एक संक्रिया लगा देता हूँ। रो में कुछ नहीं हुआ, कॉलम में देख लें, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस हो जाएगा बच्चे 6, है ना। इसके बाद इनका डिफरेंस फिर से 1, इनका डिफरेंस, ठीक है, यही करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम करते हैं प्यारे बच्चों, C1 इज चेंजिंग टू C1 माइनस C2। लेफ्ट वाला चेंज होता है बच्चे, है ना, और C1 अगर हम कर रहे हैं तो शुरुआत C1 से होती है। और एक काम और कर सकते हैं हम, C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3, लेकिन मैं अगले रो में करूँगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू C1 में क्या चेंज करना है बच्चे, C1 माइनस C2, मतलब C1 माइनस C2। तो 1 माइनस 2 और फिर 3 माइनस 5 और फिर 8 माइनस 14। फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 20 होगा। तो अब बच्चे लोग क्या करना है, तो अब यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा -6, है ना, -1, -2, -6। और यहाँ पे 2 जिनमें चेंज नहीं होता है उन्हें चुपचाप उतार लेते हैं, 14 हो गया, फिर हुआ 3, फिर हुआ 7 और फिर हुआ कितना, 20। क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना, 20, बिल्कुल 20 है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इस बार चेंज C2 में हो रहा है, मतलब C1 को हम चुपचाप उतार देंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद C2 माइनस C3, 2 माइनस 3 क्या होगा बच्चे, -1 होगा, है ना, और फिर 5 माइनस 7 क्या होगा बच्चे, -2 होगा, और 14 माइनस 20 कितना होगा बच्चे, 14 माइनस 20 क्या होगा, -6, है ना, -6 होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, 7 हुआ, 3 हुआ और 20 हुआ। प्यारे बच्चों हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम या फिर ये बोलें कि 2 लाइन इक्वल हो जाए तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो सारणिक की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। या हम बोलेंगे कि सिंस सी वन एवं सी टू के अवयव समान हैं, अतः सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से मिल गया, देखो मुझे भी नहीं लग रहा था कोई पैटर्न होगा, लेकिन आराम से करते गए तो ऑटोमेटिक पैटर्न मिल गया और 2 कॉलम इक्वल हो गए बच्चे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑपरेशंस का इस्तेमाल करोगे, संक्रियाएँ लगाओगे, तो ज़्यादा आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे बजाय प्रसार करने के या फिर उसका एक्सपेंशन करने का। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है आगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 सीधे हल करते हैं बच्चों। तो हल करके क्या बोलेंगे, बोलेंगे माना डेल्टा इज़ इक्वल टू जो सारणिक दिया हुआ है वह है 2, 3 और 7 है, उसके बाद 13 है और फिर है बच्चे 17 है और फिर है 5 और फिर है 15 और फिर है 20 और फिर है बच्चे 12,
है ना। तो अब यहाँ भी अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी कोई ना कोई पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें, तो अगर हम ये 2 है, 3 है और 7 है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। इन दोनों को माइनस कर दूं क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इन दोनों को माइनस कर दूं क्या मिलेगा, मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो ये वाला रो और ये वाला रो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कुछ बहुत सारे पैटर्न होंगे बच्चे, आप पैटर्न तलाश सकते हो, जैसे कि अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, तो नहीं, इससे पैटर्न नहीं मिल रहा है हमें, मिल गया क्या मतलब फालतू में दिमाग लगाने से प्यारे बच्चों। तो सीधे हम करते हैं, R3 इज चेंजिंग टू R3 माइनस R2। प्यारे बच्चों हम ये भी कर सकते थे, R2 इज चेंजिंग टू R2 माइनस R3, लेकिन क्या दिक्कत होती, जब मैं R2 माइनस R3 करता तो माइनस 2 आता, हमें क्या चाहिए, प्लस 2 चाहिए, इसलिए मैंने R3 को चेंज किया, R3 माइनस R2, तो बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू, चेंज R3 में होना है, मतलब R1 को और R2 को हम चुपचाप उतार देंगे, एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद R3 में होना है R3 माइनस R2, मतलब ये R3 है बच्चे, तो R3 के अवयव में ये हमारा R2 है, तो R3 में R2 को माइनस करना है, मतलब 15 में 13 को माइनस करना है, 20 में 17 को माइनस करना है और 12 में 5 को माइनस करना है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो यहाँ से अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, 3, 7 और फिर बच्चे 13 है, 17 है और 5 है, और फिर यहाँ प्यारे बच्चों मिलेगा 2, 3 और 7। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्यों, हम बोलेंगे सिंस R1 एवं R3 के सभी अवयव समान हैं, है ना, बोलेंगे सिंस एलिमेंट ऑफ R1 एंड R3 आर सेम इक्वल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 0 मिल गई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, आप कर लोगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल सी आप संक्रिया लगाओगे और वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 नहीं बताना चाहता हूँ, देखो कितना आसान है बच्चे, 6 है, 9 है, 13 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, केवल हिंट कर रहा हूँ, 6, 9 है और 13 है, 2 है बच्चे, 3 है बच्चे और 4 है, उसके बाद है 1 है, 2 है और 3 है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब देखो हम डायरेक्ट क्या संक्रिया लगा सकते हैं, हम यहाँ से देखा जाए अगर, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, है ना, 3 का गुणा कर दूं, 3 × 2 = 6 माइनस 6 0, 3 × 3 = 9 माइनस 9 0, और क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, ये 12 है बच्चे, तो 3 × 4 = 12 माइनस 12 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सीधे आप क्या कर सकते हो, अब बहुत सारे तरीके हैं, मैंने पहले बोला है बहुत सारे तरीके अपने पास हैं, आपको जो करना हो करो। देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 मिल जाएगा, है ना, देखो 6 और 2 माइनस करोगे 4 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 8 मिल जाएगा, है ना। फिर अगर 2 कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन निकालोगे तो नहीं नहीं ये नहीं ठीक है, सीधे अपन करते हैं जो अपन को मिल चुका है, अपन सीधे बोल सकते हैं कि R1 या फिर C1 इज चेंजिंग टू 6 × 12 2 × 4 और 1 तक के, गलत हो रहा है, ठीक है C1 इज चेंजिंग टू, क्या कर रहे थे अपन, हम कर रहे थे C1 माइनस 3C2, यानी कर रहे थे कि आप इस वाले में अगर 3 का गुणा कर दो, C2 में 3 का गुणा कर दो, है ना, तो क्या बन जाएगा,
तीन दूनी छः, तो छः माइनस छः जीरो, तीन त्रिकाई नौ, तो नौ माइनस नौ जीरो, तीन चौको बारह, बारह माइनस बारह जीरो। तो इस वाले में आप तीन का गुणा करके इससे माइनस कर दो, तो मतलब थ्री सी टू को किससे माइनस करना है, सी वन से माइनस करना है ना। तो क्या बन जाएगा ये, डेल्टा इज इक्वल टू था प्यारे बच्चों, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये बन जाएगा सिक्स माइनस तीन दूनी छः, तो तीन गुणे दो है ना, नाइन माइनस तीन गुणे तीन, ट्वेल्व माइनस तीन गुणे चार। तो आपको इतना भी डिटेल नहीं करना है, आप समझ रहे हो, C1 में माइनस करना है, 6 में माइनस करना है, C2 का तीन गुना, तो दो का तीन गुना 6 होगा, 9 में माइनस करना है, तीन का तीन गुना तीन त्रिकाई नौ, 12 में माइनस करना है, चार त्याई 12, फिर ये हुआ 2, 3, 4, 1, 2 और 3। कोई दिक्कत आए बच्चों को, है ना। अभी देखो एक और काम हो सकता था, आप इन दोनों को माइनस करते तो 1 मिलता, फिर 1 मिलता और 1 मिल जाता, सेम मिलते ना, 1 1 1 मिल जाते, ठीक है। अपना काम इससे हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 0 0 1 सॉरी 2 3 4 1 2 और 3, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्यों, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी कि अगर किसी सारणी की कोई एक लाइन 0 हो जाए, मतलब या तो एक रो 0 हो जाए या तो एक कॉलम 0 हो जाए, तो पूरे सारणिक की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है ना। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है आप कर लेंगे, ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं थे, बस मैंने हिंट दिया एक, आप और तरीके से कर सकते हो। अगर दो नंबर में आता है बच्चे, तीन नंबर में आता है, तो आप डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो बिना कोई संक्रिया लगाए, है ना, किसी भी संक्रिया को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 23 भी आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, तो कर तो सभी सकते हो वैसे, है ना। तो चलो क्या कर दें, चलो क्वेश्चन नंबर 22 ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है, माना डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या है, 5 है, 7 है और 8 है, लेट डेल्टा इज इक्वल टू इतना, फिर 15 है, फिर 21 है और फिर 24 है, फिर प्यारे बच्चों माइनस का 25 है, फिर प्यारे बच्चों 30 है और फिर प्यारे बच्चों 42 है। अब देखो इस क्वेश्चन में नंबर बहुत बड़े हैं, है ना, तो अगर डायरेक्ट प्रसार करने लग जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा, तो गलती के चांस रहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ ऑपरेशंस लगाना ज़्यादा बेटर है। तो अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो प्यारे बच्चों। तो अब अगर देखा जाए तो इसका तीन गुना ये है ना, पाँच त्याई पंद्रह, सात त्रिक इक्कीस, आठ त्रिक चौबीस, कहानी ख़त्म हो गई ना। तो कुल मिला के आप क्या बोल सकते हो, आप हमेशा प्रयास किया करो कि बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करें, है ना। तो अगर मैं चाहूँ कि C1 में इसमें माइनस करूँ तो कुछ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, मुझे किस में माइनस करना पड़ेगा, मुझे बड़े वाले में मतलब C2 में माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, C2 में माइनस करना पड़ेगा C1 का तीन गुना, है ना, मतलब 3C1, है ना, और जो यहाँ रहता है शुरुआत उसी से होती है, मतलब चेंज कहाँ होगा, C2 में होगा, तो C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस 3C1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुल मिला के बच्चे जिसमें चेंज होता है उसको छोड़ के बाकी को उतार देते हैं, तो चेंज होना है C2 में, तो आप C1 को चुपचाप उतार दो 5, 7 और 8, C3 को भी चुपचाप उतार सकते हो माइनस का 25 या फिर रहने देते हैं। C2 में क्या चेंज है बच्चे, C2 में है C2 माइनस 3C1, तो C2 मतलब 15 माइनस 3C1, तो 3C1, तो 3C1 तो 5 त्याई 15, ऐसे ही सात त्रिक इक्कीस माइनस इक्कीस, और ऐसे ही
24 माइनस 24 और यहाँ माइनस 25 और ये 3 हो गया और ये 42 हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? देखो बच्चे हमने क्या किया, C2 में जब मुझे दिख गया ये है 15 है, 15 जीरो तब होगा जब 15 मिलेगा, तो 15 यहाँ से मिल रहा था, 3 का गुणा करना पड़ा, तो मतलब C2 में माइनस करना पड़ा इसका 3 गुना, तो C2 माइनस 3C1 है ना, तो 15 माइनस 5 तिहाई 15, 21 माइनस 7 तरीक 21, 24 माइनस 8 तरीक 24। तो यहाँ से हमको मिल गया बच्चे डेल्टा इज इक्वल टू 578000 और माइनस का 25, 30 और 42। तो इस तरीके से कोई एक लाइन कॉलम जीरो हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। आप साइड में जैसे मैंने शुरुआत क्वेश्चन में लिखाया है यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सिंस C2 के सभी अवयव जीरो हैं अतः सारणी का पूरा मान जीरो होगा। तो अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब मेरे हिसाब से अब मुझे जल्दी से एक्सरसाइज ख़त्म करनी चाहिए। अब अगर आप लोग को लगता हो कि एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन होता है, जैसे शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन से तो आसान क्वेश्चन रहता है, फिर थोड़ा हार्ड, तो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन आप करके ही समझ जाओगे कि ये एक्सरसाइज कितनी आसान है, कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी बेहद आसान है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 पर सीधे अपन जंप करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन में नहीं लिख रहा बच्चे, सीधे आंसर कर रहा हूँ। माना डेल्टा इज इक्वल टू, पहला काम क्या होता है बच्चे, माना डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं, 2, 3 है और 5 है बच्चे, फिर है 7 है और फिर 8 है और फिर प्यारे बच्चों 9 है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 65, 75 और 86। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब अगर देखा जाए तो आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखो कुछ पैटर्न दिखता है तो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और अगर पैटर्न नहीं दिखता है तो वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, है ना। तो प्यारे बच्चों हम ध्यान से देखें कि हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो फिलहाल तो कोई पैटर्न नहीं है, डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं इसे प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस करके, लेकिन मैंने बोला है जो नंबर्स बड़े हों तो आप क्या लगाओ, संक्रियाएं लगाओ, ऑपरेशन लगाओ। तो देखो क्या करना है कि हमें इस वाले को छोटा करना है, यही वाला बड़ा है ना, इसको छोटा करना है, तो फोकस इस पे रहे, फोकस कहाँ रहे, इस पे रहे। तो अब बताओ हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा ना 65 में, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, C3 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करें, 7 9 63 है ना, 7 9 63 65 के करीब नंबर मिलेगा ना, 65 में मैं 63 माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, छोटा बन जाएगा ना। तो वही प्रयास करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि छोटा हो जाए। तो 65 में अगर मैं 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 6 49 है ना, कुल 7 9 63 7 9 63, तो कुल मिला के मैं C3 माइनस 9 C2 कर दूं। कोई दिक्कत बच्चों को, C3 माइनस 9 C2 कर दूं, कर सकता हूं ना। तो ये चेंज कहाँ हो रहा है C3 में, तो C3 इज चेंजिंग टू C3 माइनस 9 C2। कोई दिक्कत है, C3 माइनस 9 C2। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2, 3, 5। चुपचाप उतार दिया, क्योंकि चेंज कहाँ हो रहा है, C3 में हो रहा है, तो C2 को भी चुपचाप उतार दो, 7, 8 और 9। प्यारे बच्चों C3 चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, C3 के अवयव में मतलब 65 में माइनस करना है 9 गुना C2 के अवयव का, मतलब 9 × 7 का, है ना। ऐसे ही 75 में माइनस करना है 9 × 8 का, 9 C2 है ना, 9 × 8 का बच्चे C2 है और ये C3 है, तो C3 में माइनस करना है C2 का 9 गुना, तो 9 × 7 9 × 8। अब ऐसे ही 86 में माइनस करना है 9 ×
9, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, और ये बन जाएगा 2, या फिर चलो करते हैं एक बार, 65 माइनस 63 है ना, और 75 माइनस 72 और 86 माइनस 9 नामा, अरे गड़बड़ हो क्या, 7, 8 और 9 ही था ना, 80 वहाँ ठीक तो है ना, ठीक है ठीक है, 81 नौ नाम 81। तो डेल्टा इज इक्वल टू यह हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 5, ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हुआ 9, तो ये बन जाएगा 65 में 63 गया तो 2, 75 में 72 गया तो 3, 86 में 81 गया तो 5। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा बच्चे, क्यों होगा, क्योंकि C1 और C3 क्या हो गए, इक्वल हो गए, 2, 3, 5, 2, 3, 5। प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी है हमने कि अगर किसी सारणी के कोई दो लाइन इक्वल हो जाए, या तो दो रो इक्वल हो जाएं या तो दो कॉलम इक्वल हो जाएं, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपको यहाँ विधिवत लिखना पड़ेगा, पिछले वीडियो में जिन बच्चों ने जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो जो नहीं देखा है तो बच्चों से जाके देखें, मैंने विधिवत लिखवाया है ना, यहाँ 0 क्यों हुआ, यहाँ लिखेंगे सेंस वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 एंड C3 आर 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। हम बोलेंगे चूँकि C1 और C3 के अवयव समान हैं, इसलिए सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। इसे लिखते भी हैं प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 3 से, ऐसा भी लिखते हैं हमारे, इसीलिए कहता हूँ बच्चों पहले एग्जांपल लगाया करो। एग्जांपल लगाने से क्या होगा प्यारे बच्चों, कि आपको तरीका पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व करना है, क्या लिखना है ना, तो इसीलिए एग्जांपल पहले लगाया करो। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज हमारी जो क्या है 4.3 है आज समाप्त हुई। अब आगे वीडियो में जल्दी मिलता हूँ मैं एक्सरसाइज 3.4 में, तब के लिए नमस्कार। आप बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, जय श्री राम।